जहांगीरपुरी में, राजधानी दिल्ली में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। फिलहाल सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। 3 घंटे तक गरजने के बाद फिलहाल बुलडोजर थम गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये सीधा आदेश था। एक बार फिर से वो तस्वीरें आपको पूरी दिखाते हैं। आपको बता दिए पूरा का पूरा हिस्सा, सबसे पहले आप देखिए दिल्ली पुलिस के तमाम जवानों की यहाँ पर मौजूदगी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चारों तरफ सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, क्योंकि यही वो जगह थी जहाँ पर 16 अप्रैल को हिंसा का मामला सामने आया था, जिसके बाद की ने बहुत सारे सवाल राजधानी दिल्ली को लेकर और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खड़े कर दिए थे। फिलहाल आप यहाँ पर देखिए आगे का जो हिस्सा था, इस बात को समझना होगा कि जो अतिक्रमण वाला हिस्सा था, यानी कि गैर तरीके से जितने हिस्से पर कब्जा किया गया था, उन हिस्सों को यहाँ पर कार्रवाई के तहत हटा दिया गया है। आगे की तरफ आप जाएंगे तो सामने मंदिर और मस्जिद भी है, जिसको लेकर बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर मस्जिद के आगे अतिक्रमण वाले हिस्से को तो हटा दिया गया, लेकिन मंदिर के आगे वाले हिस्से पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। तो उसके मुकाबले कहना यह है एमसीडी का कि दरअसल जब तक हम मंदिर तक पहुंचते तब तक हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर आ चुका था। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, जिन लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, ज्यादातर लोग आपको बता दें हिंदू और मुस्लिम में बटे हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। एक हिस्से का कहना है कि सरकार जानबूझकर मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो इस पर राजनीति भी पूरी तरह से जारी है। आपने सुना AIMIM के अध्यक्ष की ओर से किस तरह से ट्वीट करके बार बार निशाना साधा जा रहा है। न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर वो निशाना साध रहे हैं, बल्कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी वो सवाल उठा रहे हैं। इन सब के बीच आपको बताते चले अब आम आदमी पार्टी भी इस पूरी पॉलिटिक्स में कूद पड़ी है, और उसकी ओर से लगातार ट्वीट करके ये कहा जा रहा है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर बुलडोजर गिराने का वक्त आ गया है, क्योंकि दंगा कराने वाली ये पार्टी है। सियासत अपनी जगह, लेकिन कुल मिलाकर यहां का जो माहौल है वो काफी ज्यादा तनाव में इस वक्त देखने को मिल रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, दीपेंद्र पाठक जो कि स्पेशल सीपी है राजधानी दिल्ली के, उनकी ओर से ये जानकारी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद फिलहाल बुलडोजर की जो भी कार्रवाई थी वो पूरी तरह से अभी रोक दी गई है, और अब कल सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जब इस पूरे मामले में सुनवाई होगी तो फिर यथास्थिति को क्या बनाए रखना है या फिर उसको बदल दिया जाना है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या ऑर्डर आता है, ये महत्वपूर्ण रहेगा देखना। दीपेंद्र पाठक की ओर से, स्पेशल सीपी दिल्ली की ओर से क्या दी गई है इस पूरे मामले में जानकारी सुनिए। दीपेंद्र सर, आज तक पे आप लाइव है, दीपेंद्र सर क्या आपके पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर की कॉपी मिल गई? हमें इन्फॉर्मेशन आधिकारिक रूप से हमारे पास आया है, और हम लोगों ने जो इंक्रोचमेंट ड्राइव है उसे रुकवा दिया है, एमसीडी ने भी रुकवा दिया है। तो स्पेशल कमिश्नर जो दीपेंद्र पाठक है उनका कहना है कि जो अभी कार्रवाई है वो रुकवा दी गई है। सर आगे का क्या कोर्स उठाया जा रहा है, वो कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर कुछ भी कहना अभी ठीक नहीं है। जो पिछले शनिवार को जो दुर्घटना घटी थी उसकी जांच चल रही है, इनिशियल स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, अभी उस पर कुछ कहना ठीक नहीं है और इमैच्योर और प्रीमैच्योर होगा। आज जहां तक इंक्रोचमेंट ड्राइव से के रेफरेंस में जो कानून व्यवस्था या पुलिस का जो एडिक्वेट अरेंजमेंट की बात है वो हम लोगों ने मुकम्मल तरीके से इंश्योर किया है। कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था कायम है यहाँ, और जो माननीय न्यायालय का जैसा आदेश आया है उसके हिसाब से इंक्रोचमेंट ड्राइव रोक दिया गया है। तो माननीय न्यायालय का अब कल जैसा आदेश होगा उसके तहत ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी, लेकिन बार बार बुलडोजर पर हो रही इस कार्रवाई को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा गया जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका था उसके बावजूद कार्रवाई को आगे जारी क्यों रखा गया, लेकिन फिलहाल यहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। स्थिति इस तरह की है कि परिंदा भी पर नहीं मार पाए। मेरे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद ओझा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, और साथ ही हमारे साथ अर्पिता आर्या भी जुड़ चुके हैं। अरविंद, सबसे पहले आपके पास आते हुए, फिलहाल यहां पर बुलडोजर से जो कार्रवाई चली है सुबह 10 बजे से लेकर अगले 3 घंटे तक, उसको रोक दिया गया है, लेकिन सुरक्षा के कड़े इंतजाम, तनाव बना हुआ है। अपने आसपास जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बताएं हमारे दर्शकों को अभी की यहां की क्या है स्थिति। अरविंद जी, देखिए चित्रा, सुबह 6 बजे से मैं यहां मौजूद था, और उसके बाद जो आप जिस तरीके से डिमोलेशन यहाँ होना था, बुलडोजर यहाँ पर आना था, उसके बाद 8 बजे से ही यहाँ पर हलचल तेज हो गई थी। जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुशल चौक पर, जहाँ पर हिंसा की शुरुआत हुई थी, दो गुट आमने सामने हो गए थे, यहाँ पर फ्लैग मार्च निकाला जाने लगा। क्योंकि जो तस्वीर मैं आज तक पर दर्शकों को दिखा रहा हूँ, देखिये यहाँ अभी भी बाकायदा जो पुलिस की ब्रीफिंग है वो यहाँ पर चल रही है। इस इलाके में, इसी इलाके से जो सोनू शेख नाम का शख्स था,
वो आया था फायरिंग करते हुए, यहाँ पुलिस बल की तैनाती है, बुलडोजर यहाँ पर आता है और यहाँ पर बकायदा एक्शन शुरू हो जाता है। लेकिन बुलडोजर के आने के पहले स्थिति ये थी, चूंकि ये बेहद संवेदनशील इलाका है, इस वजह से जो एमसीडी ने 400 पुलिसकर्मियों की डिमांड की थी, लेकिन 1500 पुलिसकर्मी जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान मौजूद थे, वो यहाँ पर फ्लैग मार्च करते हैं, इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि कोई भी अगर विरोध करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाता है। उसके बाद 10 बजे के लगभग ये जो इलाका सामने की तरफ देख पा रहे हैं, यहाँ से बैक टू बैक 3 जो जेसीबी है वो आती है और उसके बाद यहाँ डेमोलिशन का काम शुरू हो जाता है। ये जो घर आप देख, ये जो एक दुकान थी आप देख पा रहे हैं, उसकी पहली मंजिल का हिस्सा और जो इलीगल इंक्रोचमेंट है उसको तोड़ा गया। हमने जो नॉर्थ एमसीडी के कमिश्नर है उनसे ये सवाल दागा भी, उनसे ये पूछा भी कि आखिर अचानक से एक्शन क्यों, तो उनका कहना था 11 अप्रैल को इसी इलाके में बकायदा एमसीडी ने एक्शन लिया था और जो अवैध निर्माण थे उनको तोड़ा गया था। बावजूद इसके लोग यहाँ पर अवैध निर्माण कर लेते हैं, इसलिए ये स्पेशल ड्राइव शुरू किया गया। लेकिन बुलडोजर का जहांगीरपुरी में आना और सियासत का गर्म होना, जिस तरह से यूपी में बुलडोजर चलता है तो सियासत गर्म होती है, जिस तरह से मध्य प्रदेश में बुलडोजर चलता है तो सियासत गर्म होती है, जैसे ही बुलडोजर यहां पर आता है सियासत गर्म हो जाती है। लेकिन इन सबके बीच कई जो इलीगल इंक्रोचमेंट थे उसको यहां पर बुलडोजर ने ध्वस्त किया। चित्रा, और वही तस्वीरें इस वक्त भी हमारे दर्शक लगातार देख रहे हैं। अर्पिता, सीधे आपके पास आते हुए, देखिए बुलडोजर ने उन हिस्सों को हटाया है जो अतिक्रमण के तहत गैर कानूनी तरीके से कब्जे में कर लिए गए थे, लेकिन यहां पर सरकार पर, प्रशासन पर, एमसीडी पर सवाल इसलिए हैं क्योंकि उनकी ओर से बिना नोटिस दिए धड़ाधड़ ये कार्रवाई की जाती रही।